मथुरा में बच्चे का अपहरण कर हत्या करने वाले अभियुक्त गिरफ्तार। 14 वर्षीय बच्चे का अपहरण कर हत्या करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मथुरा के थाना रिफाइनरी क्षेत्र के अंतर्गत बाद गांव में 29 तारीख को रेलवे ट्रैक पर जंगलों में एक 14 वर्षीय बच्चे का शव मिला था, जिसका मथुरा पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा करते हुए हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हत्या के आरोपी के द्वारा 14 वर्षीय मृत बच्चे के साथ कुकर्म करने की गई थी कोशिश। आरोपी मनोज पुत्र लाखन सिंह थाना रिफाइनरी के बाद गाँव का रहने वाला है। आरोपी मृत बच्चे को चाउमीन और पेटीज खिलाने के बहाने गाँव के बाहर के पास खंडर में ले गया था, जहाँ उसने अपनी योजना के तहत उसके साथ जबरदस्ती कुकर्म करने की कोशिश की और वह चिल्लाने लगा। घटना के बारे में घर जाकर बताने की कही तो आरोपी ने उसके सिर पर पत्थर से प्रहार कर दिया एवं गला दबाकर उसकी हत्या कर दी, जिसे पुलिस ने 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर कार्रवाई करके जेल भेज दिया। ललित उपाध्याय, मथुरा, समाचार 24। 29 तारीख को बाद गाँव से एक 14 वर्षीय बालक अपने घर से चला गया था और शाम तक जब वो घर नहीं लौटा तो घर वालों को चिंता हुई, उसको ढूंढा गया, ना मिलने पर पुलिस को सूचना हुई। पुलिस को सूचना मिलते ही तत्काल सीओ रिफाइनरी और बाकी सारी टीम के निर्देशन में एक जो है सर्च ऑपरेशन चलाया गया। वहां के आसपास के जंगल में भी ढूंढा गया। रात को डॉग स्क्वाड की मदद ली गई, पर अनफॉर्चुनेटली मॉर्निंग में उसी बच्चे की जो बॉडी है उसी जंगल में निर्वस्त्र अवस्था में मिली थी। बॉडी को पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया, वीडियोग्राफी कराई गई। इसके बाद वहाँ पर लोकल जो साक्ष्य एकत्रित किए गए, जिन लोगों पर शक था उनसे पूछताछ की गई, अल्टीमेटली इस घटना का सफल अनावरण कर लिया गया। 48 घंटे से भी कम समय में जो इस घटना को कारित करने वाला अभियुक्त मनोज, जो कि उसी गांव का रहने वाला है और मृतक का कहीं दूर का रिश्तेदार भी लगता है, उसको अरेस्ट किया गया है। इसकी निशादेही पर जो मृतक का मोबाइल है वो भी बरामद किया गया है। मृतक के द्वारा जो घटना से पूर्व इसके साथ बैठ करके खाना पीना खाया गया था उसके अवशेष भी मिले हैं, और प्लस सीसीटीवी कैमरा से मृतक का जो मूवमेंट है और घटना कारित करने के बाद जो अभियुक्त का मूवमेंट है वो भी सीसीटीवी कैमरा से हम लोगों को प्राप्त हुआ है। इन्हीं सभी साक्ष्यों के आधार पर इसको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। सर, कितनी टीमें खुलासे के लिए लगी थी और क्या क्या अहम सुराग मिले जिससे पुलिस आरोपी तक पहुंची? देखिए, इसमें एसपी सिटी साहब और सीओ रिफाइनरी साहब के निर्देशन में एसएचओ रिफाइनरी फरह हाईवे, साथ साथ स्वात, एसओजी और सर्विलांस की टीम लगी थी, और मेन जो सुराग थे सीसीटीवी कैमरास में मृतक का घटना से पूर्व का मूवमेंट, अभियुक्त का घटना के बाद का मूवमेंट, और प्लस जो वहां आसपास जो लोगों से पूछताछ में बातें सामने आई, इसी के आधार पर इसकी अरेस्टिंग हुई और फिर इसकी निशादेही पर जो मृतक का मोबाइल फोन है वो भी रिकवर हुआ।